जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है ऑपरेशन स्ट्रिंग में कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स। कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स मतलब जैसे आप इफ स्टेटमेंट में जब आप कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ को, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को बेसिकली, जिस स्टेटमेंट का रिजल्ट आपको इधर ट्रू या फॉल्स मिलता है, वहाँ आप क्या कंपेयर करते हैं, आप डबल इक्वल ऑपरेटर की हेल्प से, जिसे इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं हम, यहाँ आप ये देखते हैं कि क्या, जब आप नॉर्मल वेरिएबल्स की बात करते हैं तो ए इक्वल टू बी से क्या होता है कि इधर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, मतलब अगर ए और बी की वैल्यूज़ अगर इक्वल हैं तो हमें आंसर ट्रू मिलेगा, और अगर फॉल्स है तो अगर इक्वल नहीं है तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से स्ट्रिंग्स के केस में आप सिंपली इफ स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग वन इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग टू नहीं देख सकते। ये अगेन ये जो है ये वैलिड तरीका नहीं है कंपेयर करने का दो स्ट्रिंग्स की वैल्यूज़ को, स्ट्रिंग वेरिएबल्स को। जब नॉर्मल वेरिएबल्स को आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल्स को आप इस तरह से जो है टेस्ट नहीं कर सकते, इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक सैम्पल प्रोग्राम है अगेन, जिससे हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया जा सकता है। अब दो स्ट्रिंग्स अगर एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगी, मतलब एक एक एलिमेंट उस स्ट्रिंग का, एक एक कैरेक्टर अगर बराबर है, जैसे अगर कोई नेम अगर उसमें है तो दोनों नेम्स अगर एग्जैक्टली सिमिलर हैं, सेम है या नहीं है, तो हमें जो स्क्रीन पे है इधर स्ट्रिंग्स आर इक्वल या स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल स्क्रीन पे चाहिए। तो जब आपको दो ऑप्शंस में से कोई एक चीज़ आपको स्क्रीन पे चाहिए होती है तो आप इफ़ एल्स की हेल्प से वो काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम में इफ़ एल्स की हेल्प से ये शो किया है कि इधर जो स्ट्रिंग्स हम एंटर कर रहे हैं वो इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है। फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द प्रोग्राम मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग्स को यहीं इनिशलाइज कर दिया है। इसे स्कैन भी किया जा सकता था, मतलब यूज़र से भी आप कोई स्ट्रिंग्स ले सकते हैं, दो स्ट्रिंग्स यूज़र से आप इनपुट करवा सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने जो दो स्ट्रिंग्स एंटर की हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम के अंदर मैंने फिर से एक वेरिएबल आई लिया है जो मुझे यहाँ पर वाइल लूप को चलाने में काम आएगा, और दो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू, str1 एंड str2 के नाम से मैंने यहाँ डिक्लेयर की है, जो 6 कैरेक्टर्स लंबी है। मैंने अगर ऐसा मान लिया है, मतलब आप कितने भी कैरेक्टर्स लंबी से स्ट्रिंग को साइज रख सकते हैं, मैंने स्ट्रिंग को 6 रैंडमली ले लिया। उसके बाद मैंने इसे इनिशलाइज कर लिया है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 5 कैरेक्टर्स हैं और एक कैरेक्टर नल कैरेक्टर, तो ओवरऑल साइज़ को ये बैलेंस कर रही है, आप साइज से बाहर नहीं निकले हैं। 5 एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिख दिए, 5 कैरेक्टर्स लिख दिए और एक नल कैरेक्टर, तो बेसिकली मैंने करेक्ट जो है साइज़ ली है यहाँ पर इस स्ट्रिंग की। दोनों स्ट्रिंग्स को मैंने यहाँ इक्विवेलेंट लेकर और फिर इस चीज़ को शो किया है, तो हमें स्क्रीन पर ऑब्वियसली यही मिलेगा कि स्ट्रिंग्स आर इक्वल। लेकिन अगर ये दूसरे के बराबर नहीं होती, मतलब इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर्स में अलग होता या सारे कैरेक्टर्स अलग होते, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्क्रीन पर हमें लिखा था स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। कैसे होगा ये प्रोग्राम रन, वाइल लूप के अंदर पहले हम आई को इनिशलाइज करते हैं 0 से स्टार्ट करते हुए, ये इंडेक्स होगा स्ट्रिंग जो कैरेक्टर अरे है उसका। वाइल लूप क्या कर रहा है यहाँ पर, वाइल लूप यहाँ पर 3 कंडीशंस को एक साथ एंड जो ऑपरेटर है उससे चेक कर रहा है। एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या करेगा, तीनों कंडीशंस एक साथ ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, तीनों कंडीशंस को एक टाइम पर ट्रू होना पड़ेगा ताकि पूरा वाइल लूप का टेस्ट कंडीशन ओवरऑल ट्रू हो और वाइल लूप चले। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन किसी वक्त फेल हो जाती है, रॉन्ग होती है, फॉल्स होती है या ज़ीरो होती है बाइनरी में अगर हम कहें, तो ओवरऑल जो टेस्ट कंडीशन है वो भी फॉल्स हो जाएगी और वहाँ ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आई 0 से स्टार्ट होता है और हर बार हमें ये चेक करना है कि क्या आयत एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग 1 एग्जैक्टली इक्वल है आयत एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग 2 के, फिर क्या स्ट्रिंग 1 का जो आयत एलिमेंट है वो नल कैरेक्टर के बराबर नहीं है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, एंड स्ट्रिंग 2 का भी वो आयत एलिमेंट नल कैरेक्टर के बराबर नहीं है, तो उस केस में ये जो वाइल लूप की तीनों कंडीशन जो हैं अगर जब ट्रू होंगी तो ये वाइल लूप जो है फर्दर अपना काम करेगा। ये वाइल लूप सिर्फ एक ही काम कर रहा है, आई को इंक्रीज कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा। तो जहाँ जहाँ ये तीनों कंडीशन ट्रू है वहाँ आई की वैल्यू बढ़ रही है, आई की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी जब तक इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लूप बेसिकली क्या करेगा, हर एक लेटर को चेक करेगा कि क्या हर एक कैरेक्टर जो है बराबर है या नहीं। अगर यहाँ कहीं भी कोई लेटर जो है वो इक्वल नहीं होता है, कोई कैरेक्टर जो है वो इक्वल नहीं होगा दोनों स्ट्रिंग का, तो ये कंडीशन वहीं फॉल्स हो जाएगी। या फिर अगर स्ट्रिंग 1 ख़त्म हो चुकी है तो नल कैरेक्टर आ जाएगा, तो भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। या स्ट्रिंग 2 ही ख़त्म हो गई है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो तीनों केसेस में कंटिन्यूसली एक एक एलिमेंट, एक एक कैरेक्टर चेक होता रहेगा
इक्वल है या नहीं, और जब तक ये चेक होता रहेगा और तीनों कंडीशंस ट्रू होगी, मतलब जब तक ना तो ये स्ट्रिंग ख़त्म हुई है ना ये स्ट्रिंग ख़त्म हुई है और दोनों एग्जैक्टली इक्वल भी हैं, तो उस केस में आई बढ़ता ही जाएगा। तो हर अगर आई इंक्रीज़ होगा तो हर अगले आई के लिए सेम चीज़ होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आई इक्वल्स टू जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, जीरो एलिमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्ट्रिंग वन का भी एच है और स्ट्रिंग टू का भी एच है। येस दिस कंडीशन इज़ ट्रू बिकॉज एच इज इक्वल्स टू एच एंड स्ट्रिंग वन ना तो नल हुआ है ना स्ट्रिंग टू नल हुआ है, तो इसका मतलब आई इंक्रीज होगा। अब आई की वैल्यू जीरो से हो जाएगी वन, तो फर्स्ट पोजिशन पे, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है, ई, इसमें भी ई, तो अभी भी ई और ई इक्वल है, ना तो ये स्ट्रिंग ख़त्म हुई है ना ये स्ट्रिंग ख़त्म हुई है, अगेन आई बढ़ेगा। जब फाइनली ओ पे हम आ जाएंगे उसके बाद अगली बार क्या होगा, नल कैरेक्टर आ जाएगा स्ट्रिंग वन में भी स्ट्रिंग टू में भी, दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी और आई अब आगे नहीं बढ़ेगा। दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं अब हम चेक करेंगे कि क्या ये पूरा कंप्लीट होने के बाद, हो सकता है कोई स्ट्रिंग जो है उसमें से कोई एक कैरेक्टर ख़त्म हो जाता और दूसरा अभी चल रहा होता, मतलब एक स्ट्रिंग ख़त्म हो जाती और दूसरी चल रही होती, ठीक है, तो उस केस में ये आई बढ़ा होता, लास्ट में कहीं जाके ये टर्मिनेट हो चुका होता लूप। लूप दोनों ही केसेस में टर्मिनेट होगा, जब इक्वल होगी तो भी टर्मिनेट होगा, इक्वल नहीं होगी तो भी टर्मिनेट होगा, इक्वल होंगी तो वहाँ जाकर टर्मिनेट होगा जहाँ पर एग्जैक्टली सब ख़त्म हो गया है, दोनों स्ट्रिंग्स ख़त्म हो गई है, और अगर इक्वल नहीं है तो जहाँ पर भी इनइक्वालिटी आई वहाँ पर ख़त्म हुआ होगा। तो उस केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू दोनों के लिए ये चेक किया गया है कि क्या स्ट्रिंग वन का आखिरी एलिमेंट नल कैरेक्टर है और स्ट्रिंग टू का आखिरी एलिमेंट नल कैरेक्टर है, दोनों एक ही वक्त पे नल हुए हैं, मतलब जब ये पूरा आई जो है लूप एंड हो चुका है, तो अगर दोनों के लिए सेम एलिमेंट सेम आई के लिए अगर दोनों नल हुए हैं, मतलब दोनों ख़त्म हो चुके हैं, एंड में दोनों का आई सेम पे पहुंच जाता है और कहीं भी ये कंडीशन ये वाइल लूप फॉल्स नहीं हुआ, तो उस केस में हमारी स्ट्रिंग्स इक्वल हैं, और अगर स्ट्रिंग्स इक्वल हैं तो स्ट्रिंग्स आर इक्वल हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना है। और अगर ये चीज़ ट्रू नहीं है, यानी कि दोनों सेम आई पे नल नहीं हुए हैं, अलग अलग आई पे नल हुए हैं, मतलब ये स्ट्रिंग कुछ और थी और ये स्ट्रिंग कुछ और थी, या कोई एक पर्टिकुलर लेटर इनमें अलग था, तो उस वक्त ये आई जो है वो टर्मिनेट हो गया, एक अपना अलग आई पे था और एक टर्मिनेट हो गया था, एक का आई में भी जीरो हो जाएगा और एक का नहीं होगा, तो तब दोनों के आई सेम टाइम पर नल कैरेक्टर पे नहीं होंगे, तो उस केस में स्ट्रिंग्स नॉट इक्वल हैं। यहाँ आप जो एग्जांपल देख रहे हैं उसमें एक एक लेटर सेम है, तो यहाँ पर जो है ये पूरा आई इक्वल्स टू जीरो वन टू थ्री फोर, आई फाइव पर आई की वैल्यू जब फाइव होगी तो ये जो कंडीशन है ये फेल हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त ये दोनों नल कैरेक्टर पे होंगे। तो यहाँ पर आई की लास्ट वैल्यू फाइव होगी, तो स्ट्रिंग फाइव मतलब स्ट्रिंग वन का फिफ्थ एलिमेंट इज़ ऑल्सो नल एंड स्ट्रिंग टू का फिफ्थ एलिमेंट इज़ ऑल्सो नल, एंड इन दिस केस आपको स्ट्रिंग्स आर इक्वल वाला स्टेटमेंट स्क्रीन पे प्रिंट होके मिलेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये कोई स्पेलिंग इसमें मिस्टेक होती और ये तो हेलो ही होता, लेकिन जो सेकेंड है हमारे पास वो एच ई आई आई ओ होता या आई एल आई ओ होता, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती बेसिकली इसमें, ठीक है, तो उस केस में क्या होता, एच के लिए ई के लिए एल के लिए, एच ई और एल, मतलब बेसिकली आई जीरो वन टू तक तो ये लूप जो है करेक्टली रन करता, लेकिन जब आई थ्री है, आई थ्री के ऊपर क्या होता, ये जो है कंडीशन फेल हो चुकी होती और यहाँ हम बाहर आ जाते हैं इस लूप से। लास्ट आई थ्री हुआ था, आई ये लूप जो है आई थ्री तक ही चला, आई थ्री पर चेक होगा कि क्या ये दोनों नल के बराबर है, नहीं ये दोनों नल के बराबर नहीं है, एक एल है एक आई है, तो दोनों केसेस में इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई और उस केस में क्या हुआ, एल्स जो है स्ट्रिंग्स नॉट इक्वल प्रिंट हो गया, या ऐसा हुआ कि एक स्ट्रिंग पहले ही ख़त्म हो गई एच ई एल और एक स्ट्रिंग जो है एच ई एल एल ओ पे गई पूरी कम्प्लीटली, तो आपने देखा एच ई एल फिर से जीरो वन टू तक तो ये कम्प्लीटली लूप रन किया, लेकिन यहाँ पर आई इक्वल्स टू थ्री पे नल कैरेक्टर आ गया और यहाँ पर अभी भी एल है, तो उस केस में आप देखेंगे कि जो इफ की कंडीशन है आई इक्वल्स टू थ्री पे ये लूप ख़त्म हुआ, लेकिन जो स्ट्रिंग वन का थ्री इंडेक्स पे जो इंडेक्स थ्री यानी कि जो फोर्थ पोजीशन पे जो यहाँ पर कैरेक्टर पड़ा है वो नल हो गया है, और स्ट्रिंग टू का जो फोर्थ पोजीशन पे कैरेक्टर पड़ा है वो नल नहीं हुआ है, वो एल है अभी, तो इसका मतलब
ये वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो दोनों कंबाइनली एंड से जुड़े हुए हैं और इस वजह से दोनों को एक टाइम पे ट्रू होना ज़रूरी है। ये फॉल्स है, इस वजह से कंप्लीट जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है और उस वजह से भी आपको एल्स स्टेटमेंट जो कि यहाँ पर स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल है वो प्रिंट होके मिलता है। तो बेसिकली इन ऑल दीज कंडीशन अगर कोई भी लेटर कोई भी जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं उसमें कुछ भी डिफरेंस होगा तो आपको ये जो लूप है ये जो प्रोग्राम है वो एग्जैक्टली आपको स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल लिख के देगा कोई भी गड़बड़ होने पर, और अगर एग्जैक्टली ये दोनों सेम होंगी तो ही आपको strings are equal मिलेगा। So this is how we compare two strings. अब सी प्रोग्रामिंग में कुछ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस है। आपने देखा अब तक जो ये चीज़ें थी कॉपी करना कंबाइन करना बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, बहुत प्रोग्राम्स की हेल्प से किया जा रहा है यहाँ पर, तो क्या स्ट्रिंग्स को यूज़ करना इतना मुश्किल है? नहीं, ये जो चीज़ें हैं ये हमने प्रॉपर मेथड सीखे हैं जैसे जिस तरह से एक्सप्लेनेशंस दी जा सकती हैं। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में डेवलपमेंट्स के साथ धीरे धीरे जो है स्पेशल फंक्शंस जो हैं क्रिएट किए गए हैं ताकि स्ट्रिंग्स को जो है ये हैंडलिंग को है ईजी बनाया जा सके, ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स को ईजियर किया जा सके। तो उसके लिए कई सारे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस होते हैं जो कि यहाँ पर मैंशनड हैं कि किस तरह से आप सिंपली कुछ फंक्शंस को लिख कर जो है ये सारे काम कर सकते हैं। अभी तक आपने स्ट्रिंग्स को जो कंबाइन किया वो आपने प्रोग्राम की हेल्प से किया, लेकिन आप चाहें तो इस तरह से strcat लिख के ब्रैकेट के अंदर दोनों स्ट्रिंग्स को, यहाँ पर मैंने जनरल फॉर्म दे रखा है, सारे फंक्शंस को यहाँ पर आप कुछ भी फंक्शन कोई इनमें से कोई भी फंक्शन का नेम लिखिए और उसके पेरेंथीसिस के अंदर स्ट्रिंग्स लिख दीजिए जो दो स्ट्रिंग्स पर आपको ऑपरेशन करना है और उसको कॉमा से सेपरेट कीजिए। तो यहाँ पर अगर आपको किन्हीं दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना है तो स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू सिंपली, जैसे अभी हमने दो स्ट्रिंग्स को पिछले लेक्चर में जैसे कंबाइन किया तो आप उन्हीं दो स्ट्रिंग्स को सिंपली स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू लिख के और strcat अगर उसका फंक्शन यूज़ करते तो सिंपली जो है वो स्ट्रिंग जो है कंबाइन हो जाती और यहाँ पर इक्वल टू में आप उसे एक नई स्ट्रिंग का नाम दे सकते थे। इसी तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं दो स्ट्रिंग्स को इस फंक्शन की हेल्प से, इसी तरह से इस फंक्शन की हेल्प से आप दो स्ट्रिंग्स को कॉपी कर सकते हैं और इस तरह से किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेंथ फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग, यहाँ पर एक स्पेशल केस है, ये यहाँ पर आपको सिर्फ एक स्ट्रिंग लिखनी है जिसका आपको लेंथ चाहिए।